Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is part 2 of the lesson Ranga's marriage. Part 1 में हमने पढ़ लिया था कि हमारे जो narrator हैं, उन्होंने रंगा के लिए एक लड़की देख ली है. रंगा कौन? जो accountant का son है पर बैंगलोर से पढ़ के आया है और उसके लिए उसने एक लड़की पसंद कर ली है. अब आगे फर्दर हम देखते हैं कि वो कौन लड़की है और कैसे उसकी शादी होती है, क्योंकि रंगा तो मना कर रहा है कि उसको शादी नहीं करनी है. So let's see what happened. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna, it was. The very next morning, I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. क्या कहता है कि अब उसने वो लड़की देखी तो वो बता रहा है इसके बारे में. और कहता है frequent visitor, मतलब Rama Rao के घर में वो frequently या mostly जाता रहता था, हर दूसरे दिन जाता ही रहता था. और वो लड़की जो है वो भी उसके साथ बहुत फ्री थी. फ्री मतलब कि वो उससे खूब बातें करती थी, उसको जानती थी अच्छे से. और वो कहते हैं इतना सब कुछ तो मैंने बता दिया लेकिन मैं ये भूल गया कि उसका नाम क्या है. उसका नाम है रत्ना. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, ये उसके घर जाता है और वहाँ राम राव के घर के पास वहाँ जाके उसकी वाइफ से बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भिजवाऊंगा. बटर मिल्क मतलब लस्सी या छाछ जिसको कहते हैं, वो भिजवाऊंगा. तो तुम रत्ना को भेज देना लेने के लिए. टू फेच इट मतलब लेने के लिए रत्ना आ जाएगी. Ratna came, it was Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga while she was singing the song, Krishna Murti. In front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there, abruptly stopped. क्या बताता है, रत्ना उसके घर आई. अब इसे प्लानिंग से किया कि उसको जान के बुलाया अपने घर. रत्ना वहां आती है, फ्राइडे था, फ्राइडे को उसने बहुत एक सुंदर साड़ी पहनी हुई थी. अब साउथ इंडियंस में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी, छोटी छोटी लड़कियां वो भी साड़ी पहनती हैं. अब फ्राइडे को हो सकता है उनका ऐसा कोई कस्टम हो जिस दिन वो साड़ी पहनते हो लड़कियां. तो उसने साड़ी पहनी हुई थी तो वो कहता है कि उसने उसको बोला अपने रूम में बैठने के लिए और उसको बोला कि एक गाना सुनाओ. उसने रिक्वेस्ट की एक सॉन्ग सुनाओ, क्योंकि जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था उसने बताया कि उसको उसकी शी हैज अ स्वीट वॉइस, बहुत अच्छा वॉइस है उसकी और हारमोनियम और वीणा बजाना भी उसको आता है. तो उसको कहता है गाना सुनाओ, उसे रिक्वेस्ट करता है. और जब वो गाना गा रही थी, अब कौन सा सॉन्ग था, कृष्णमूर्ति, मतलब कोई डिवोशनल सॉन्ग गा रही थी. तो उसकी इन फ्रंट ऑफ माई आईज रंगा रीच द डोर, अब वो उसके सामने ही वो गाना गा रही थी. तो रंगा को भी वो बुलवा लेता है, वो किसी को भेजता है कि जाके रंगा को बुलवा के लेकर आओ. और रंगा जब आ जाता है तो वो उसके गाने के बीच में वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है दरवाजे पे. अब ही स्टॉप्ड एट दैट थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड मतलब कि जो मेन डोर है, डोर के ऊपर बिल्कुल चौकट पे आके खड़ा हो जाता है. वो अंदर नहीं एंटर करता क्योंकि वो गाने की आवाज़ सुन लेता है और वो अंदर एंटर नहीं करता. ही डिडंट वांट द, अब वो नहीं चाह रहा था कि सिंगिंग को स्टॉप हो जाए, मतलब सिंगर को डिस्टर्ब करे. तो ही वॉज क्यूरियस टू सी, वो देखना चाह रहा था. ही वॉज क्यूरियस मतलब कि बहुत उत्सुक था देखने के लिए कि कौन गा रहा है इतना अच्छा. और बहुत ध्यान से, केयरफुली ही पीव्ड इन, कि वो बहुत ध्यान से हल्के से दरवाजे की साइड से हल्का सा देखता है कि कौन गा रहा है. लेकिन उसकी शेडो जैसे अंदर पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइट कमिंग इनटू द रूम, जो लाइट आ रही थी अंदर से वो अंदर आनी बंद हो जाती है. मतलब जैसे सनलाइट आ रही थी वहां से, दरवाजा खुला हुआ था लेकिन वो वहां आके खड़ा हुआ तो उसकी शेडो से लाइट आनी अंदर बंद हो गई. और रत्ना ने जैसे ही देखा तो उसने कि कोई स्ट्रेंजर खड़ा है वहां पे, शी एब्रप्टली स्टॉप्ड. एब्रप्टली मीन सडनली, एकदम से उसने गाना बंद कर दिया. सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश. यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट. बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड. हाउ डू यू फील? रंगा स्पेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड. अब क्या कह रहा है, वो एग्जाम्पल दे रहा है कि मान लो आपने बहुत टेस्टी मैंगो लिया, अब वो मैंगो इतना टेस्टी है कि आप उसको प्रॉपर पील करके, मतलब उसका छिलका उतार गया, उसको अच्छे से जूसी है और उसको खा रहे हो, उस मैंगो को प्रॉपरली खा रहे हो. सेवरिंग इट्स पील मतलब उसका जो छिलका है उसको भी टेस्ट के साथ खा रहे हो. जैसे बहुत सारे मैंगोज होते हैं, स्पेशली हम दशहरी मैंगो को कह सकते हैं कि उसको हम छिलके के साथ में से छिलका उतार के अच्छे से छिलके को भी खाते हैं उसके साथ साथ, मतलब उसका पूरा जितना भी उसके ऊपर फ्लेश है हम सोचते हैं कि सारा खा जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए, और हम बिल्कुल छिलका साफ करके फेंकते हैं. तो कहते हैं ऐसे आप खा रहे हो और बहुत जूसी फ्रूट है उसका, बहुत जूसी उसके अंदर फ्लेश है, उसका गूदा बहुत ज़्यादा उसमें टेस्टी है मैंगो का, और आप बिल्कुल भी उस मैंगो के एक पार्ट को भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. और आप बिफोर टेकिंग, और जैसे ही आप दूसरी बाइट लेने लगते हो,
तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, आपके हाथ से वो फ्रूट स्लिप होके नीचे गिर जाता है और वो गिर जाता है तो आपकी क्या हालत होगी। वही सेम चीज़ वो कह रहा है, रंगा का फेस ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मैंगो उसके हाथ से निकल गया। मैंगो हाथ से निकल गया मतलब कि वो इतना सुंदर गाना गा रही थी, वो लड़का वो वहाँ पे खड़ा वो सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वो आया उसने गाना गाना बंद कर दिया। तो उसके फेस से जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट वो नज़र आ रही थी कि वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ है। यू सेंट फॉर मी ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। अब गाना तो बंद हो गया था तो उसने क्या किया कि वो अंदर एंटर किया, चेयर पर बैठा और उससे बोला कि आपने मुझे बुलाया था, क्योंकि नैरेटर ने तो उसको जान कर बुलाया था। वो चाह रहा था कि वो इस लड़की को देखे, इसका गाना सुने और इससे इसको वो अच्छी लगे और इसको वो अट्रैक्ट हो जाए इसकी तरफ। सो रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड, रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर। रत्ना वहाँ खड़ी हुई थी थोड़ी डिस्टेंस पे, उसका सर जो है वो झुका हुआ था और वो रंगा जो है रिपीटेडली ग्लांस्ड, वो कंटिन्यूसली उसको देखे जा रहा था। वंस आर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल। जैसे ही इन दोनों की, नैरेटर की और रंगा की आंखें एक दूसरे से मिली, क्योंकि नैरेटर रंगा को देख रहा है और रंगा रत्ना को देख रहा है, तो वो जैसे ही उसने देखा तो वो एकदम एम्बेरसमेंट फील की उसने, और एम्बेरसमेंट मतलब अशेम्ड की, शर्मा गया वो। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लीव मी, लेट मी लीव, वर्ड्स मेयर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मूव मेक अ मूव। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग। क्या कहता है कि मैं आ गया और मेरी वजह से गाना जो है वो बंद हो गया, मतलब मैंने बीच में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, तो मुझे जाना चाहिए। अब बोल तो रहे जाना चाहिए लेकिन हिल नहीं रहा वहाँ से। तो ये कह रहा है कि वर्ड्स मेयर वर्ड्स, कि सिर्फ बातें कोई बातें हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि कहता है कि जाना मूव नहीं कर रहा वहाँ से, एक इंच भी मूव नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा है मुझे जाना चाहिए। तो वर्ड्स कुछ और हैं लेकिन एक्शन कुछ और हैं, एक्शन और वर्ड्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या बोलता है हमारा नैरेटर कि आज के कलयुग के टाइम में कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी के वर्ड्स और उसके एक्शंस जो है वो मैच करेंगे। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। आफ्टर अ व्हाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी। अब ये पहली बार बताया है कि जो नैरेटर है उसको वो स्वामी बोलते हैं। तो अब क्या होता है, लड़की वो रत्ना शर्मा जाती है और वो अंदर चली जाती है और ये उससे पूछता है क्यूरोसिटी से कि स्वामी ये लड़की कौन है, हु इज दैट इनसाइड। द लॉयन वॉन्टेड टू नो। The he-goat who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The lion fled the place in fear, it seems. अब क्या कह रहा है? वो उसको just comparison कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई जैसे कोई lion आ गया, lion आके पूछने लग जाता है कि किससे? He-goat से। He-goat मतलब कि बकरे से, कि तुम कौन हो और किस तरह से बातें करके उससे पूछ रहा है जिसने जो टेंपल में शेल्टर लिया हुआ है जिसने, और वो बेचारा पुअर एनिमल वो कुछ बोल नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं आ रही है। और वो कह रहा है कि वो ऑलरेडी 9 lions को खा चुका है। 9 lions का खाने का मतलब कि वो ऑलरेडी जो है वो देख चुका है और सब सीन से वो फेस कर चुका है। तो अब उसके बाद वो कह रहा है कि तुम मेल हो या फीमेल हो मुझे ये बताओ। और लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर, कि उल्टा हो जाता है कि लॉयन ही डर जाता है। अब लॉयन डर जाता है कैसे, कि लड़की तो अंदर भाग गई है और ये यहाँ पे बैठा हुआ है और ये पूछ रहा है कि वो कौन है। अभी इसके वर्ड्स कुछ और थे, शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे वो कुछ और उसके रिएक्शंस हो रहे हैं। तो लाइक द ही गॉट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, आई एम मैरिड, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड। अब वो उसे बोलता है लाइक द ही गॉट, मतलब एक बलि के बकरे की तरह से जैसे कह सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मैरिड है या नहीं है, वो कौन है, क्योंकि वो क्या पूछता है उससे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं तो मैरिड हूँ और तुम शादी करना चाहते ही नहीं हो, तो अब ये लड़की कौन है, क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों पूछने की ज़रूरत है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़न्ट मैरिड, एंड हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, बट आई न्यू इट वॉज देयर, शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। अब क्या कहते हैं, होपफुली, बहुत होप के साथ उसने पूछा, इसकी शादी तो नहीं हुई, क्योंकि उसको रत्ना पसंद आ गई और वो पूछ रहे इसकी शादी तो नहीं हुई। तो वो क्या कहता है, हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, मतलब उसकी एक्साइटमेंट जो थी उसकी आवाज़ से पता नहीं चल रही थी, लेकिन उसको पता था कि उसकी वो एक्साइटेड है, वो जानना चाहता है। अब ये क्या बोलता है उसे, शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, कि इसकी तो 1 साल पहले शादी हो चुकी है। हिज फेस शिवर्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। नाउ आफ्टर अ व्हाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। अब उसका फेस श्रिवल मीन्स कंट्रैक्ट हो जाना, एकदम सिकुड़ जाना, कैसे, रोस्टेड ब्रिंजल की तरह से, कि जब ब्रिंजल को भरता बनाने के लिए हम भून देते हैं और एकदम सिकुड़ जाता है, उसका फेस भी ऐसा हो गया था।
क्यों? क्योंकि वो तो बहुत होपफुली पूछ रहा था, और जब उसको पता चला कि इसकी तो शादी हो चुकी है तो उसको लगा कि बस अब तो कोई फायदा नहीं, और वो फिर चला जाता है वहां से. आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. आई कम लेटर. आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल एंड आई वॉन्टेड टू हिम टू से दैट आई वॉन्टेड हिम टू से आई फाउंड नो चेंज इन रंगा वेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून. व्हाट्स द मैटर? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट. आई सेड नथिंग, नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी, हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी द डॉक्टर. अब क्या कहते हैं, जैसे उसको ये पता चला वो फटाफट शास्त्री, शास्त्री कौन, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं तो जो पत्री वत्री देख कर बताते हैं कि फ्यूचर कैसा है क्या, तो वो कहते हैं कि उसके पास गया और वहाँ जाके उसने उससे बोला कि अपने स्टार्स वगैरह को सबको रेडी रखो, मतलब अपना सारा सामान रेडी रखो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा. और उसको सबको ट्यूटर मीन्स सब कुछ बता दिया, समझा दिया कि तुम्हें क्या क्या बोलना है, मतलब उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था, तो उसने पूरा प्लान बनाया हुआ था. और वो उसको भी समझा के आ गया कि मैं किसी को लेकर आऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हें क्या क्या बोलना है उसको, तुम सब उसको रेडी कर लो. तो अब वो रंगा के पास जाता है क्योंकि वो समझ गया था, और रंगा के पास जाके वो देखता है कि वो बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ है, मतलब अभी भी वो परेशान है, उसका फेस जो है वो बता रहा है कि वो इज नॉट हैप्पी. अब उससे पूछता है कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी, ऐसा लग रहा है तुम कहीं खोए हो ख्यालों में. तो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो कहते हेडेक है, चलो तो मैं डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ. अब वो जान के उसको बहाने से शास्त्री के पास ले जाता है. आई हैव नो हेडेक, आई एम माय यूजुअल सेल्फ, आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन. अब क्या कहता है वो रंगा, कहता नहीं नहीं मुझे कोई हेडेक नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है. तो वो यह हमारा जो स्वामी है वो बताता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, आई वेंट थ्रू, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मेरी शादी होने वाली थी और मैं लड़कियां देख रहा था, चूज कर रहा था, तो मेरे साथ भी ऐसा रहता था, तो कोई बात नहीं वो, बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी द रीजन ऑफ योर प्रेजेंट, लेकिन मैं नहीं मान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन जो है आज के टाइम में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा. रंगा स्टेयर्ड एट मी, अब वो कुछ और बात कर रहा है, तो ये उसको घूरने लग जाता है, स्टेयर्ड करने लग जाता है. क्यों? क्योंकि वो बात सोच तो हो रहा है लेकिन वो नहीं जानता कि स्वामी इस चीज़ को जानता है, क्योंकि ये सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आर whether गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट. गुरु एंड शनि मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि इसका इसकी इसका शनि इस राशि में है, वो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं इसका गुरु इस राशि में है, ये इसको फेवर कर रहा है नहीं कर रहा है. तो कहते चलो मैं तुम्हें शास्त्री जी के पास लेके चलता हूँ, अगर तुम्हें हेडेक नहीं है तो कोई बात नहीं, शास्त्री जी ही बताएंगे कि तुम्हारा गुरु और शनि सब कुछ ठीक ठाक है ना. रंगा accompanied him, me without any protest. As soon as शास्त्री saw me, he exclaimed, what a surprise Shyama, haven't seen you for a long time. Shyama is none other than your servant, the narrator of this tale. अब बताया है स्वामी कौन है, श्यामा, उसका नाम है श्यामा और वो इनका सर्वेंट है, इनके घर में सर्वेंट है. और वो कहते हैं जब उसको रंगा को लेके जाते हैं वहां पे, तो रंगा भी उसके साथ साथ अकम्पनीड मीन ही वेंट अवे विद हिम, उसको अकम्पनी देता हुआ चला जाता है, अकम्पनी देता हुआ, और वो विदाउट एनी प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, मना नहीं करता, और चला जाता है. और जैसे ही शास्त्री के पास पहुंचता है तो वो उसे कहता है, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, कि हम कितने टाइम बाद मिले, हैवंट सीन यू अ लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग, कितने टाइम से तुम्हें देखा ही नहीं, कितने टाइम बाद हम मिल रहे हैं. और एक्चुअली वो ऑलरेडी उससे मिल के आया था, उसको बता के आया था कि बोलना क्या है. आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस. अब श्यामा ने उसको ये बोला कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो शास्त्री जो है वो नहीं समझ पाया और वो कहता है क्या, अभी तो मिले हैं मॉर्निंग में और तुम कह रहे हो कि बहुत टाइम बाद मिले हैं. यू फिनिश ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई. आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स. अब वो कहता है ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिया उसने, जैसे एक हमारा जैसे ढेर लगा हुआ है किसी चीज का, ग्रेन्स का, और एकदम उसको गिरा दिया हो, मतलब मैंने मेरा सारा प्लान जो है उसको खराब कर देगा, बिल्कुल मेरा इतना काम मैंने किया और वो सारा काम मेरा खत्म कर देगा. तो इसलिए वो थोड़ा सा एक्सट्रीमली केयरफुल कि आगे बोल फर्दर बोलने से पहले थोड़ा केयरफुल हो जाता है कि ऐसा ना हो मैं कुछ और बोल रही या कुछ और ही बोल दे. शास्त्री टर्न टू रंगा, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम हियर, कम होम, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस. क्या कहता है कि हमारे अकाउंटेंट का लड़का रंगा कब आया है यहाँ विलेज में और यहाँ मेरे पास कैसे आया है, हाउ व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और हमारे पास तो तुम बहुत कम आते हो, क्योंकि वो एजुकेशन लेने के लिए बैंगलोर गया था और जो मोस्टली एजुकेटेड लोग वो इन सब बातों में कम ही बिलीव करते हैं,
तो वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास इतना जाता नहीं था, तो कहता हमारे पास तो बहुत कम आता है, आज कैसे आना हुआ? टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। अब क्या कहता है ये स्वामी यानी शर्मा उसको कहता है कि अपना पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया क्या होता है, जो उनका पोथी टाइप जो ग्रंथी होती है, जो ग्रंथियाँ जो बुक्स रखते हैं जिसके अंदर वो सारा चेक करते हैं, तो कहता है उसको निकालो और आज तुम हम तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी चेक करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम ये बताओ कि ये क्या चीज़ है जो इसको परेशान कर रही है, कि हमारा रंगप्पा जो है वो बहुत परेशान है। नाउ देयर आर अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, ही टुक आउट टू शीट्स ऑफ पेपर, सम कौरीज एंड अ बुक ऑफ पालमा लीव्स। पालमा लीव्स जो है वहाँ पे की फेमस लीव्स हैं, वहाँ पे उसने पेपर्स निकाले, कुछ कौड़ीज निकाली, कौड़ीज जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डेकोरेशन के भी काम आती हैं और पहले से ये यूज़ करा करते थे, खेलते भी थे बच्चे से। आर्स इज एन एंशंट साइंस आया, देयर इज अ स्टोरी टू इट बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, दिस इज़ नॉट हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यू मे गेट बोर्ड, आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम। अब हमारा नरेटर यानी शर्मा कहता है कि ये जो पाल्मरा लीव्स हैं वो ये सब चीज़ें, वो कहता है हमारी एंशंट साइंस है आइया, हमारी एंशंट साइंस है, तो कहता है अब मैं उसकी स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक बहुत लंबी स्टोरी है और वो मैं यहाँ कोई हरी कथा नहीं सुनाने बैठा कि एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी सुनानी शुरू कर दो। हरी कथा का मतलब कि कोई ऐसी लॉन्ग स्टोरी नहीं सुनाना मैं कि मैंने स्टोरी सुनानी शुरू करी रंगा मैरिज की और मैं फिर किसी और डायरेक्शन में ले जाऊँ, तो ऐसा नहीं, वो मैं कभी और सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार्स, रंगा डिडंट नो, नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, इट्स अबाउट अ गर्ल। अब शास्त्री अपने लिप्स फास्ट मतलब कुछ जैसे मंत्रास होते हैं, वो मंत्रास पढ़ रहा है और बहुत अपने लिप्स फास्ट और चेक कर रहा है सब कुछ कि हाँ क्या कौन सा स्टार किधर है, वो सारा देख रहा है अपने फिंगर्स पे देख रहा है और फिर उसके बाद वो कहता है रंगा को, रंगा डिडंट नो, उससे पूछता है कि तुम्हारे कौन सा स्टार है, स्टार मतलब जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा जोडियक साइन क्या है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तो कहता है कोई बात नहीं। और फिर शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ, अपना हेड हिलाता है कुछ सोचता है और उसके बाद वो उसको कहता है कि कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद बहुत सीरियस होके, इट्स अबाउट अ गर्ल, ये कोई लड़की है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माय लाफ्टर ऑल दिस व्हाइल बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, आई टर्न टू रंगा, एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, हु इज द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब क्या कहता है एग्जैक्टली मतलब उसको हंसी आ रही थी बहुत तेज क्योंकि ये सब समझा के गया था वो और वही सब शास्त्री ने बोल दिया, तो वो हंसने वाला था लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और वो क्या कहता है कि बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग आई टर्न टू रंगा, और वो हंसने लग गया और फिर वो रंगा की तरफ कहता है एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, कि मैंने भी तो तुम्हें यही बोला था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कहता है हु इज द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, मतलब अब उसका सर्वेंट जो है शर्मा उसने उससे क्वेश्चन पूछा कि कौन है वो लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए सोचता है बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशन, कहते कुछ ऐसी उसका नाम ऐसा है जो कुछ ओशन में मिलता है, ओशन मतलब सी के अंदर मिलता है, तो वो कहते हैं कमला मतलब कमल, कहते हैं मे बी हो सकता है, और फिर कुड इट बी द पक्षी, पाची मॉस, मॉस एक तरह से ग्रास होती है या काई भी आप कह सकते हैं, जैसे आपने मनी प्लांट का अपना वो देखा होगा उसके बीच में जो कई बार वो लगाई होती है वो मॉस ग्रास बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ भी हो सकती है। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला, कहता अगर कमला नहीं तो मॉस हो सकती है, वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, अब ये बोलता है कि क्या पर्ल नहीं हो सकता, पर्ल मतलब मोती और उसको हिंदी में बोलते हैं रत्न, रत्ना मतलब प्रीशियस स्टोन, कहते वो भी तो हो सकता है। रत्ना द गर्ल इन रामाराव हाउस इन इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, क्या कहता है कि रत्ना तो रामाराव के घर में लड़की रहती है, और कहता है कि ये बताओ कुछ चांस ऑफ आर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट की, कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि हमें कुछ फ्रूटफुल चीज़ मिल सके, मतलब कुछ हमारे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सके। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगा'स फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट, अब वो कहता है हाँ बिल्कुल हो सकता है कुछ ना कुछ। अब वो ये बातें कर रहे हैं तो रंगा का फेस देखने लायक था, क्यों, क्योंकि उसके फेस पे एक अलग ही सरप्राइज था, कुछ चमक सी थी और वो खुश हो रहा था ये सब देखते हुए और ये इसको नोटिस कर रहा है।
But that girl is married, I said. Then I turned to him. His face had fallen. I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you about what our Shastra indicated, Shastri said. We left the place. On the way, we passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out out a minute later. अब क्या कहता है उसको कि लेकिन वो लड़की की तो शादी हुई हुई है. तो कहता है अब मुझे ये नहीं पता कि अब उसको देखता है उसकी तरफ रंगा के सर तरफ तो उसका फिर फेस डाउन हो जाता है. पहले वो एकदम खुश हो गया था लेकिन फिर उसका फेस लटक जाता है. तो कहता है कि ये सब मुझे नहीं मालूम. कोई और लड़की भी हो सकती है जो इसके लिए सूटेबल हो. और ये तो मैंने तुम्हें वो बताया जो हमारे शास्त्रास बता रहे हैं सब कुछ. मतलब मेरे शास्त्र जो बताए हैं वो सब मैंने तुम्हें बता दिया. अब वो ये दोनों अपने वो चले जाते हैं उस जगह से. और ये रास्ते में रामा राव के घर रुकता है. रत्ना वहाँ डोर पे खड़ी हुई है और ये अंदर जाता है. कुछ देर के बाद वापस आ जाता है श्यामा. सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज इन मैरिड इट सीम्स. समवन टोल्ड मी द अदर डे एंड शी वॉज व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड. अब वो जहान कर अंदर गया था और वापस आता है और कहता है इट्स सरप्राइजिंग कि ये लड़की की तो शादी नहीं हुई है. कि जान के उसने बोला था कि इसकी शादी हो चुकी है और एक्चुअली वो अनमैरिड थी. तो कहते इसकी शादी नहीं हुई है. और कहते किसी ने मुझे बताया था कि इसकी शादी हो चुकी है लेकिन मैंने कन्फर्म कर लिया है नहीं हुई है शादी. और शास्त्री ने जो बताया मुझे लग रहा है वो सारी बातें सच है और सब कुछ सच हो रहा है. लेकिन कहते हैं बट रंगप्पा मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम इसके बारे में सोच रहे थे. क्यों? क्योंकि तुम तो कुछ और सोचते हो. तुम तो कह रहे हो मुझे शादी करनी ही नहीं है. और स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य. माधवाचार्य क्या कह रहे हैं? एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया. मतलब बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं. तो कहते हैं उनकी कसम खाओ तुम और मुझे बताओ कि ये क्या ये बात सच है. क्या शास्त्री ने जो बात बोली वो सच है. आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट. रंगा एडमिटेड देयर इज अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन. व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू. और वो कहता है कि इतना डायरेक्टली कभी किसी ने नहीं पूछा होगा जैसे श्यामा ने उससे रंगा से पूछ लिया. और रंगा ने भी ये बात मान ली एडमिट कर लिया कि हाँ. और वो कहता है कि इतना ट्रूथ मतलब हमारे शास्त्र में इतने ज़्यादा ट्रूथ है इतनी ज़्यादा सच्चाई है कि इतना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था. और ये सारी बातें सच हैं. शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. आई सेड सो शास्त्री गेल यू रिपीटेडली you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it at all. What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. Tell me, is this what a decent man says? अब क्या कह रहे हैं? शाम को इवनिंग में वो शास्त्री से मिलता है वेल पर और फिर बोलता है कि वाह तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग करी. तुमने बिल्कुल भी सस्पिशियस मतलब जो हल्का सा भी शक नहीं होने दिया. जो कुछ तुम्हें मैंने बताया तुमने सब कुछ वो इतने अच्छे से बोला. तो वो कहता है तुम क्या बोल रहे हो. तुमने तो मुझे जस्ट हिंट दिया था. मैंने सारा अपने शास्त्रों में चेक किया है सब कुछ और जो शास्त्रास के थ्रू वही मैंने सब कुछ बताया है. मैंने कुछ ऐसा अपनी तरफ से नहीं बताया. और फिर वो कहता है टेल मी इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज. कि क्या सच में ऐसा है. क्या वो सच में यही सब बात है. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. व्हाट्स द ओकेशन आई आस्क्ड. इट्स श्यामाज बर्थडे ही इज 3. इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा आई सेड. आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. व्हाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम. व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू. आई नो इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक. योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ. Who's there to help your mother to cook? My sister has come with her. I went there for dinner. Shyama rushed to me when I walked in and put his arms round my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. Allow me to take leave of you, reader. I'm always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. अब क्या कहते हैं? Now अब ये time lapse हो गया है. मतलब कुछ सालों बाद की बात बता रहे हैं क्या? रंगा की शादी हो चुकी है रत्ना से. अब उसका रंगा आता है उसको इनवाइट करने के लिए डिनर पे. और क्या बोलते हैं कि क्या ओकेजन है. तो वो कहता है श्यामा का बर्थडे है. कौन श्यामा? वो कहता है 3 years का हो गया श्यामा और उसका बर्थडे है. तो कहता है इतना तुमने क्या नाम रखा, श्यामा क्यों रखा मेरा. मैं तो बिल्कुल डार्क पीस ऑफ ऑयल केक बिल्कुल काला गलूटा सा हूँ
और तुमने क्या अपने इतने सुंदर से बच्चे का नाम श्यामा रख दिया, और ये कैसे तुम चाइल्डिश कपल हो दोनों कि तुमने इस तरह से नाम रख दिया। और कहता है कि मैं जानता हूँ, गंगा क्या कहता है, मैं जानता हूँ, और ये इंग्लिश कस्टम है। इंग्लिश कस्टम मतलब कि इंग्लैंड में या ब्रिटिशर्स का ये कस्टम है कि जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हो अपने बच्चे का वही नाम रखते हो। तो इसका मतलब अब ये श्यामा कौन है जिसका थर्ड बर्थडे है, वो रंगा का बच्चा बेटा है, उसका थर्ड बर्थडे है, और रंगा ने अपने बेटे का नाम भी श्यामा रखा। क्यों रखा श्यामा? क्योंकि श्यामा जो उनका सर्वेंट था उसकी वजह से उसकी शादी हुई रत्ना से। तो वो कहता है कि जो जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं उसी का नाम पे अपने बच्चे का नाम रखते हैं, तो मैंने वो कस्टम फॉलो करके अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा है। योर वाइफ इज़ अब वो पूछता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो फर्दर 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, यानी रत्ना 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और अब तुम्हारी मदर के लिए कौन है वहाँ पे कुकिंग के लिए? तो कहते हैं मेरी सिस्टर आई हुई है वहाँ पर, और अब ये जाता है उनके घर डिनर के लिए, और श्यामा जो बच्चा है छोटा जिसका बर्थडे है वो भागता हुआ उसके पास आता है, और उसके आर्म्स पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, उसकी टांगों को पकड़ लेता है। अब ये उसको किस करता है चीक के ऊपर और प्लेस्ड, और उसको एक छोटे से उसकी छोटी छोटी हाथों में फिंगर्स में उसको एक छोटी सी रिंग पहना देता है। रिंग क्या है? उसका बर्थडे गिफ्ट। अब वो बता रहा है नाउ व्हाट द नैरेटर सेज। अब श्यामा क्या कहता है, जो स्वामी है श्यामा है नैरेटर है, वो कहता है अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, अब मुझे आज्ञा दो जाने की रीडर्स, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको हमेशा सर्व करने के लिए रेडी हूँ, एंड आई होप कि तुम बोर नहीं होगे स्टोरी से। वेल मैं तो बोर नहीं हुई, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये स्टोरी, और आई होप कि आपको भी ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी सब कुछ। वैसे इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं समझने के लिए, इट्स जस्ट अ शॉर्ट स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। सो लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिए, क्या वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो, और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, सारी वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा, और आप वीडियोस देखते रहिए, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से कर लीजिएगा, और दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।